गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हाउ आर यू? वी आर फाइन मैम। एंड व्हाट अबाउट यू? एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज के सेशन में आप लोगों को विशेषण शब्द के बारे में बताएंगे, जैसा कि आप सभी ने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। जैसे हमने कहा यह कलम लाल है, तो कलम आपका विशेष हो गया, और विशेषता बताने वाले शब्द है लाल, तो लाल क्या हो गया? विशेषण। ऐसे ही देखिए, कई चित्र दिया गया है, चित्रों को ध्यान में देखिए। इस चित्रों को देख के ही कई चीजें आपके समझ में आएंगी। चित्रों में दिख रहा है कई रंगीन गुब्बारे हैं, लाल पीले नीले हरे गुब्बारे देख रहे हो ना। कहीं ठंडी चुस्की बिक रही है, कहीं रसीले फल है, मीठे आम खट्टे संतरे, स्वादिष्ट जूस, चटपटे गोल गप्पे, गर्म टिक्की और गुलाब जामुन, कहीं लंबे गिठने जोकर खेल दिखा रही हैं। तो इसमें देखिए रंगीन शब्द जितने भी हैं, ये सारे जो है संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट कर रही हैं, है ना। गुब्बारों की विशेषता है कि रंग बिरंगे हैं, और फूल फलों की विशेषता है कि रसीले हैं, खट्टे हैं, मीठे हैं, है ना। गोलगप्पे की विशेषता है को चटपटे हैं, और जोकरों की विशेषता है कोई लंबा है कोई छोटा है ना। इस प्रकार किसी न किसी की ये शब्द किसी न किसी चीज की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन सारे शब्दों को हम विशेषण कहेंगे। और जो विशेषता जिसकी विशेषता बताई जा रही हुई विशेष है। चलिए देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? मुख्य चार भेद हैं, जो कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा था। तो पहला है गुणवाचक। देखिए गुण के अंतर्गत कितनी चीजें आती हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण, आकार, रूप, स्वाद, रंग, दशा, स्थिति, अवस्था आदि का ज्ञान कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखिए इसमें दिया भी गया है गुण दोष में क्या होगा, अच्छा बुरा। चलिए अभिषेक पढ़ के बताइए कितनी चीजें गुणवाचक विशेषण में आएंगे, कितनी चीजें गुणवाचक विशेषण में आएंगे। यस मैम, गुण दोष, अच्छा बुरा, सरल, परिश्रमी, ईमानदार, सच्चा, झूठा, दानी, दयालु आदि। रंग काला, पीला, नीला, हरा, लाल, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी आदि। आकार छोटा, बड़ा, गोल, ऊंचा, लंबा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन आदि। स्पर्श कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना आदि। गंध सुगंधित, खुशबूदार, बदबूदार, गंधहीन आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। अवस्था दशा नया पुराना, स्वस्थ बीमार, रोगी, फटा हुआ आदि। अवस्था युवा, बूढ़ा, प्रौढ़, तरुण आदि। स्थान ग्रामीण, भारतीय, रूसी, बनारसी, देसी, विदेशी, बाहरी आदि। काल आधुनिक, प्राचीन, ताजा, पुराना। हाँ देखिए ते सारे चीज जो है ये विशेषता बताने वाले हैं। तो विशेषता में गुण के गुण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम इनको गुणवाचक विशेषण में रखते हैं। यहाँ देखिए स्पर्श तक भी गुण में आ जा रहा है। हम जिस चीजों को स्पर्श कर रहे हैं, जो स्पर्श से हमें जो भाव महसूस हो रहा है, खुरदरा है कि चिकना है ना, तो सारी चीजें जो है इसमें आ जा रही हैं। स्थान के बारे में भी है कि कोई गांव का है, कि कोई शहरी है, कोई विदेशी है, कोई देसी है। और काल आधुनिक काल है, प्राचीन काल है, वर्तमान काल है ना, जो भी काल पुराना।
ये सारी चीजें आपके गुणवाचक विशेषण में आ जा रही हैं। अब दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्या में आपका जितनी भी काउंटिंग हो सारी संख्याएं हैं। इसके अलावा जो है दो भेद किए गए हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में आपका आ जाएगा जिस एक दो चार आधा पूरा, ये आपका निश्चित है, निश्चित संख्या है। लेकिन अनिश्चित संख्या में होता है इसे कुछ बहुत अधिक थोड़ा, ये अनिश्चित संख्या है ना। लेकिन जो है ये अनिश्चित संख्या है, हम कुछ कह दिए, कुछ में एक दो भी हो सकता है, चार छह भी हो सकता है, थोड़ा कह दिए थोड़े में भी एक दो हो सकता है, चार छह हो सकता है, बहुत सारे कह दिए तो दो भी चार हो सकता है, दस बारह भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चित संख्या है। तो इसलिए इसको अनिश्चित वाचक, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहा गया है। यानी जिसके जिन शब्दों से हमें संख्या का निश्चित ज्ञान होता है कि हाँ संख्या कन्फर्म है, उसको हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। और जिन वस्तुओं के विशेषता में अगर संख्या अनिश्चित है तो वहां हम उसको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। आधा किलो, तीन पा, दो मीटर। अब चलिए परिमाणवाचक विशेषण में आ गया। परिमाण का मतलब होता है जो भी द्रव पदार्थ हैं या तरल पदार्थ हैं या फिर ठोस पदार्थ हैं या फिर जो मीटर में कपड़ा वाले चीज है, ये सब नाप तौल में आ जाते हैं। इसकी प्रमाण होता है जो नाप तौल माना गया है। तो जो संज्ञा सर्वनाम की नाप तौल संबंधी जो विशेषता बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि हलवाई ने 2 किलो दूध दिया, आधा किलो चीनी, 3 पाव घी, 2 मीटर कपड़ा, चुटकी भर मैदा और ये सारी चीजें नाप तौल की है। 1 किलो सेब दीजिए, 1 दर्जन केला दो, या फिर 1 लीटर मिट्टी तेल चाहिए, या फिर 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये सब नाप तौल की संख्या बता रही है, नाप तौल संबंधी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें भी 2 भाग कर दिया गया है, निश्चित और अनिश्चित। यानी जिसकी परिमाण निश्चित हो, आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 मीटर, 1 लीटर, है ना, ये निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण है, इसलिए इसको निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसी तरह जैसे जो आपका संख्यावाचक में था, ऐसे ही परिमाणवाचक में भी निश्चित अनिश्चित दोनों। अनिश्चित है जिसकी नाप तौल की जो है निश्चित मात्रा नहीं है। जैसे मुझे चुटकी भर नमक चाहिए, रत्ती भर सरसों का तेल चाहिए, या थोड़ा सा चावल चाहिए, तो नाप तौल यानी है तो ये वस्तु ही खरीदने वाली जो है खाद्यान्न है या फिर तरल वस्तुएं है, लेकिन इसकी संख्या निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा गया है। बेटा आवाज नहीं जा रही है क्या? मैम आ रही है। तो इस तरह से उसमें भेद किए गए हैं संख्यावाचक विशेषण में, और ऐसे ही आपका जो है परिमाणवाचक विशेषण में भी उससे वही भेद है, कि उसमें संख्या संबंधी भेद था, इसमें परिमाण संबंधी भेद है। अब आते हैं हम चौथा, पहला गुण था, दूसरा संख्यावाचक था, तीसरा परिमाणवाचक था, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह लड़का नर्तक है। लड़का यहाँ संज्ञा हो गया, लेकिन उससे आगे यहाँ सर्वनाम सब आ गया, वह लड़का, तो यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। जो सब संज्ञा से पहले
आकर या सर्वनाम होता है, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम शब्द विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे सर्वनाम विशेषण कहते हैं। तो लड़का, वह लड़का नर्तक है, यहाँ संकेत हो रहा है ना सर्वनाम की तरफ, वह लड़का नर्तक है। यहाँ पर वह सर्वनाम लड़का संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए सर्वनामी विशेषण है। यह कमीज पहलो, किसी आदमी को किसी से कुछ मत कहो, है ना, या घर मेरा है, या पुस्तक तुम्हारा है, तो सब आपका सार्वनामी। या वह जहां तहां, उसे जो सर्वनाम शब्द पहले आ जाते हैं संज्ञा के, इतना ध्यान रखना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकर विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे सार्वनामी विशेषण कहते हैं। आप अंतर समझ लीजिए सर्वनाम में और सार्वनामिक में, सर्वनाम शब्द और सार्वनामी विशेषण में क्या अंतर होता है। वाक्य देखिए, वह पढ़ रही है, तो यहाँ पर संज्ञा तो है नहीं, केवल सर्वनाम शब्द दिख रहा है, वह पढ़ रही है, क्रिया हो रही है, विशेषक शब्द कहीं नहीं है। वह पढ़ रही है यानी सर्वनाम जो है वो क्रिया, दो शब्द यहाँ आ रहा है, लेकिन वह लड़की पढ़ रही है, तो लड़की आपका संज्ञा आ गया, पढ़ रही है क्रिया आ गया। यहाँ लड़की की विशेषता बताई जा रही कि वह लड़की पढ़ रही है, लड़कियां बहुत वहां हैं, लेकिन संकेत करके बताया जाए कि वह लड़की पढ़ रही है, इसलिए वह शब्द यहाँ विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। वह सर्वनाम शब्द है लेकिन किसके रूप में प्रयोग किया गया है, विशेषण के रूप में, इसलिए यहाँ पर वह सर्वनामिक विशेषण है। इस प्रकार से यदि सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ आए और उसकी ओर संकेत करे तो सर्वनाम कहलाता है। वह लड़की पढ़ रही है, वह लड़का खेल रहा है, यह गाय दूध दे रही है, वह पुस्तक मेरी है। तो यहाँ पर जितने भी सर्वनाम शब्द हैं संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बता रहे हैं। बेटा आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो चलिए विशेषण की तुलना अवस्था आप लोगों ने सिलेबस के अंतर्गत आप पढ़े थे, विशेषण की जो अवस्था होती है, कितनी अवस्था होती है मुस्कान, पढ़े थे ना मैम? तीन। तीन, पहला क्या है? मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था, तीसरा उत्तम अवस्था, उत्तम। देखिए यहाँ दिखाया भी गया है, मूल अवस्था में निम्न, लघु, न्यून, उच्च, कुटिल, मधुर आदि होते हैं। उत्तरावस्था में वही निम्नतर, लघुतर, उच्चतर, कुटिलतर, मधुरतर हो गया, लेकिन उत्तमावस्था में यह अनेक की तुलना में सबसे अधिक कम को प्रकट कर रही है। निम्नतम, लघुतम, उच्चतम, कुटिलतम, मधुरतम, तो ये सबसे उत्तमावस्था हो गई। शब्द वही है, मूल मूल शब्द में मूल अवस्था है, दूसरे में उसको और से थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, और उत्तमा में सबसे अधिक या कम को प्रकट कर रहा है। जैसे अच्छा है, बेहतर है, बेहतरीन है, कम है, कमतर है, कमतरीन, बद, बदतर, बदतरीन, ये फारसी शब्दों के विशेषण है। तीन अवस्थाएं जो बताया गया है ये संस्कृत की अवस्थाएं है, लेकिन फारसी में भी रूप से चलता है। फारसी शब्द यानी उर्दू भाषा में भी फारसी भाषा के शब्द आए हैं ना, अरबी और फारसी के शब्द किस भाषा में आए हैं? हिंदी में आ गए हैं, उर्दू से हिंदी में भी पहुंच गए हैं, हिंदी भाषा में। चलिए बेटा, तो इस प्रकार से तीन अवस्थाएं हैं विशेषण के, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
इसके बाद हम देखते हैं विशेषणों की रचना कैसे की गई जाती है, कैसे विशेष शब्द बनाए जाते हैं। प्रत्यय शब्द संज्ञा से विशेष बनाना, यानी संज्ञा शब्द को हम कैसे विशेष बनाएंगे। यहाँ पर कुछ दिया गया है, आप प्रत्यय वाले संज्ञा शब्द हैं जिसका हमें विशेषण के रूप में प्रयोग करना है। तो जितने भी आप प्रत्यय से शब्द हैं उसमें बड़ा आ की मात्रा लग के ही विशेषण बन जाता है। आप देख भी रहे होंगे, प्यार का प्यारा, प्यासा, भटक भटका, भूख भूखा, यानी जितने भी आ की मात्रा वाले शब्द हैं आ प्रत्यय वाले, वे सब में बड़ा आ बनाकर हम विशेषण लगा रहे हैं। जितना भी आ से अकारांत शब्द है, अकारांत का मतलब जो आ की मात्रा चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो उस पे खत्म हो रहे हैं, अकारांत है ना, उसमें हम आ प्रत्यय लगाकर विशेषण शब्द बनाते हैं। जैसे प्यार है, आ से खत्म हो रहा है तो आ प्रत्यय लगा दिए, प्यारा हो गया। भूख, आ तो सभी व्यंजन वर्णों में छिपा हुआ है, इसको तो आप लोग जान ही रहे हो, क्यों उत्कर्ष? Yes, ma'am. तो उसी में आ की मात्रा यानी आप प्रत्यय लग गया, तो आपका विशेषण बन गया। दूसरा है आलू, आलू प्रत्यय लगाकर अकारांत शब्द ने, जो अकारांत है ना बड़ी छोटा आ से बड़ा आ हो गई है, ठीक है, इसमें आलू लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? आलू। ऋष्या शब्द है, बड़ा आ लगा है, छोटा आ में हम केवल आ प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन अगर बड़ा आ है तो आलू प्रत्यय लगा देते हैं। दयालु, ऋषालु, कृपालु, संकालु, ऋषालु, ऐसे ही कुछ शब्द हैं अकारांत शब्द में ही एक प्रत्यय लगाकर बनते हैं। जैसे अर्थ है तो आर्थिक, इतिहास है तो ऐतिहासिक, भूत भौतिक, विचार वैचारिक, हृदय हार्दिक, साहित्य साहित्यिक, है ना, एक प्रत्यय लगाकर बने हैं विशेषण शब्द। और कुछ है जो इत, इसमें सारा विशेष शब्द जो है प्रत्यय लगाकर बने गए बनाए गए हैं, संज्ञा से विशेषण बनाए गए हैं, यानी संज्ञा शब्दों में हम प्रत्यय लगा रहे हैं और विशेषण बन रहा है। किसी में आ प्रत्यय है, किसी में आलू है, किसी में इक है, किसी में इत है, तो किसी में इत में अंक, अंकित, अपमान, अपमानित, घृणा, घृणित हो गया। ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा होम पे अपने, हम क्यों थोड़ा थोड़ा करके बता रहे हैं, ठीक है। इम, इम प्रत्यय से बने शब्द हैं अंत, अंतिम, आदि, आदिम, रक्त, रक्तिम, स्वर, स्वर्णिम हो गया। या प्रत्यय से जयपुर, जयपुरिया, बम्बैया, कानपुरिया कहते हैं ना, या प्रत्यय लग गया। ऐसे ही इल है, yes, ma'am. उर्मिल, जटिल, पंकिल, फेनिल, स्वप्निल, है ना, इल लगा के बन गया। ई है, चीन, चीनी, जापान, जापानी, दुख दुखी, सुख सुखी, है ना, बंगाल, बंगाली, नेपाल, नेपाली, इसमें ई प्रत्यय लगा के आपका विशेषण शब्द बन गया। कुछ है इन लगा के बनता है, कुल, कुलीन, ठाकुर, ठकुराइन, मालकीन बनता है ना, मलीन, रंगीन। ऐसे ही दसवां नंबर पे आपका ई हो गया, इयम, बड़ी ई और या। आत्मा है तो आत्मीय, जाति है तो जातीय, भारत है तो भारतीय, इस प्रकार से स्वर्गीय, स्थानीय शब्द बने हुए हैं आपके। ग्यारहवां नंबर पे है इला, इला प्रत्यय लगाकर विशेष बना गया, बनाया। जैसे गर्व, गर्वीला, चमक, चमकीला, भड़क, भड़कीला, रंग, रंगीला। ऐसे एरा, चचेरा, ममेरा, फुपेरा। फिर है एला, बनैला, बिसैला, मान, गतिमान, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान, अभिमान, है ना। वती प्रत्यय है, गुणवती, पुत्रवती, बलवती, रूपवती, भानवती, है ना,
वान, दयावान, धनवान, मूल्यवान, वाला, चाय वाला, कॉफी वाला, दूध वाला, यानी ऐसे सारे जो है संज्ञा शब्दों से प्रत्यय बनाए गए हैं, अरे विशेषण बनाए हैं प्रत्यय शब्द लगाकर। ठीक है, संज्ञा शब्दों में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग करके विशेषण शब्द बनाया गया है। तो इसको डिटेल में आप लोग एक बार मुंह पे पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका है सर्वनाम शब्दों से हम कैसे विशेषण बना रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वनाम शब्द है कौन, तो विशेषण बनेगा कैसा, जो, जैसा, तू, तेरा, तुम, तुम्हारा, मैं, मेरा, या ऐसा, वह, वैसा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, है ना। अब क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण बन रहा है ध्यान देंगे, जैसे उड़, कमा, खा, चल, ये मूल धातु है, क्रिया की धातु है ना, सुन, देख, खा, पी, उठ, बैठ, तो इसमें विशेषण बना रहा है। उड़ाऊ, खवा, कमाऊ, खाऊ, चलाऊ, टिकाऊ, पठित, लिखित, है ना, ये आपका विशेषण क्रिया शब्दों से बना है। पतित, पालन हार, बिकाऊ, रट्टू, लिख का लिखित, बंद का बंदनीय। अब अंतिम में आपका आ रहा है अव्यय से विशेषण बनाना, जो अव्यय शब्द है, अव्यय यानी अविकारी शब्द। अव्यय को हम क्या कह सकते हैं, अविकारी शब्द। जैसे आगे अगला, ऊपर ऊपरी, नीचे निचला, पीछे पिछला, बाहरी, भीतरी, आंतरिक, ये आपका अव्यय शब्द है जिससे विशेषण बनाया गया है। पर प्रविशेषण, इसको तो आप लोग जान ही रहे हो, प्रविशेषण शब्द किसे कहते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत अधिक प्यासा, वह बहुत अधिक प्यासा है, तो यहाँ वह बहुत प्यासा है, तब भी आपका विशेषण था बहुत प्यासा है, लेकिन बहुत अधिक प्यासा है, तो यहाँ बहुत जब आगे आ गया उसके, तो जो पहला शब्द है प्रविशेषण बन गया, वो अधिक का भी विशेषता बता दिया कि बहुत अधिक प्यासा है। वह सुंदर है, तो सुंदर तो अपने आप में विशेषण है ही है, लेकिन यहाँ सुंदर को और भी अधिक विशेषता बता दिया गया, अति सुंदर है, वह अत्यंत सुंदर है ना, तो यहाँ सुंदर का प्रविशेषण अत्यंत हो गया या अति होगा। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, और फिर विशेषण की विशेषता बताने वालों को प्रविशेषण कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना पढ़ने के बाद थोड़ा आप लोग भी रिप्लाई कीजिएगा। आकृति, आकृति विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाने वाली शब्द को सर्वनाम कहते हैं। देख रही हो, पगला गई है, सर्वनाम कहते हैं, विशेषता बताई जाने वाली शब्दों को सर्वनाम कहेंगे, विशेषण कहते हैं। काव्यांशु, विशेषण कितने भेद हैं, नाम बताइए। विशेषण के चार भेद हैं। कौन कौन से? मैम गुणवाचक, भाव चक, पूरा बोल दो, मैम समूह वाचक, समूहवाचक। कहाँ पहुंच गए हो प्रखर, आप बताइए विशेषण कितने भेद हैं? प्रखर माइक ऑन कीजिए, आप मोबाइल को क्यों इधर उधर घुमा रहे हो, आप लोग मोबाइल एक जगह नहीं देख सकते हो,
नहीं बोलेंगे अब लोग। हाँ उत्कर्ष बताइए, उत्कर्ष बताइए, उत्कर्ष। मैम विशेषण के चार भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक वाचक। बहुत अच्छा। चलिए गौरव आप बताइए, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? यस मैम, मैम जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की गुण दोष आदि शब्दों का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक संज्ञा सर्व विशेषण कहते हैं। जैसे मैम जैसे सुंदर, नीला, लाल आदि। संख्या वाले विशेषण किसे कहते हैं? अनुराग संज्ञा या सर्वनाम, संख्या संबंधित विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे दो केले, एक सेब आदि। चलिए खुशी बताइए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? खुशी संबंधी विशेषता बताने वाले शब्द को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हलवाई ने 2 किलो दूध दिए। चलिए मुस्कान बताएंगी, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? मैम जब कोई सर्वनाम शब्द विशेषण शब्द के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का खेल रहा है। चलिए प्राची आप बताइए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्राची मैम जो विशेषण की विशेषता बताए। जैसे मैम जो विशेषण की विशेषता बताए। उदाहरण देके समझाइए। अखिलेंद्र आप बताइए बेटा, प्रविशेषण किसे कहते हैं? मैम मैम संज्ञा सर्वनाम प्रखर बताइए, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रखर कर क्या रहे हुआ? सर्वनाम मैम जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे सर्व क्रिया विशेषण कहते हैं। देखिए कहाँ से क्रिया विशेषण ला दिए, हम पूछ रहे हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। बिल्कुल अपोजिट बोल रहे हो। बताइए गौरव। मैम जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। एग्जांपल मैम जैसे वह बहुत अधिक चमकीला है। मैं इसमें बहुत प्रविशेषण है। चलिए बेटा इसके बाद आप लोगों का ये होमवर्क रहेगा, इसको आराम से करके भेजिएगा जो है चैप्टर का, ठीक है? एक्सरसाइज 10 एक्सरसाइज हैं, 5 जिसमें तो 4 3 तो हो ही गया आप लोगों का मौखिक क्वेश्चन के रूप में, तो बचा 7। इसमें कुछ टिक करना है, कुछ फिल करना है, इसको आप लोग आज ये वाला पेज आप भेज दीजिएगा, ठीक है? करके भेज दीजिएगा।
सारा है ना, इसमें जो आपको टिक करना है सारा तो इसको कर लीजिएगा। पांचवे में है उपयुक्त स्थान वाक्यों की पूर्ति करना है, इसको इसको भी कर लीजिएगा। यानी इसमें जो 10 क्वेश्चन है नोट इसी बुक में करने हैं सारा, आज आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। एक बेली पढ़ना है तभी आराम से बैठ के करके भेज दो, ठीक है। और चलिए भाई थोड़ा सा आप लोगों का जो है फेस्टिवल है दीपावली या धनतेरस है, तो थोड़ा सा आप इसके बारे में थोड़ा परिचय देंगे अपनी जो है मधुर भाव को व्यक्त करते हुए स्वेच्छा से इस फेस्टिवल के बारे में आप लोग जो बताना चाहें बता सकते हैं। क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है ना, क्या होता है, आप लोगों के अंदर क्षमता होनी चाहिए ना, कोई चीज अचानक कोई पूछे तो आप बता सको। इतनी पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हो कि अपने फेस्टिवल के बारे में आप बिना पहले से तैयारी बता सको। चलिए नाम न लेना पड़े, अपने आप बताइए आप। यस मैम। हाँ चलिए बताइए अभिषेक। यस मैम। मैम दिवाली हमारा धार्मिक त्योहार है, यह हिंदुओं के द्वारा बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। यह त्योहार अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस दिन भगवान अयोध्या के राजा भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास को पूरा करके वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या के लोगों ने अपने राजा के स्वागत के लिए दिए से पूरा अयोध्या चमका दिया था, और उसी दिन से हिंदू धर्म के लोग दीपावली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। यह हिंदुओं का बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है। इस दिन बच्चे पटाखे और खूब सारी मिठाइयां खाते हैं, और कई यस मैम कई प्रकार कई जगहों पर बाजारें भी लगती हैं जहां अनेक प्रकार की वस्तुएं बिकती हैं, और सरकार द्वारा पटाखे पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक होता है, लेकिन सरकार उतना ध्यान नहीं देती। इसलिए हमें अपने आप को स्वयं ही बचाव करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा, बिना तैयारी के आपने इतना बोला। चलिए और कोई है जो बिना तैयारी के पहले से बोल सकता है, अपनी भावों को विचारों को व्यक्त कर सकता है सबके सामने। चलिए अभी है 4 मिनट का समय। चलिए मुस्कान। यस सर। मुस्कान उसके चलिए। मैम दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग असंख्य दीपों से जगमगाने लगती है। कहते हैं भगवान राम 14 वर्ष का वनवास कर अयोध्या वापस लौटे थे। इसी खुशी में अयोध्या वासी अपनी खुशी हाजिर करने के लिए पूरे अयोध्या नगर को दीपों से जगमगा दिया था। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। इस दिन भगवान महावीर स्वामी का निवारण दिवस भी है। इस दिन सभी कार्यों इसी कारण सभी लोग दीपावली का त्योहार मनाते हैं। यह त्योहार लगभग सभी जगहों पर मनाया जाता है। इस त्योहार के एक दिन पहले लोग घरों की सफाई करके सजावट प्रारंभ कर देते हैं, और बच्चे अत्यंत खुश रहते हैं और पटाखे दगाते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा बेटा। चलिए और कोई प्रखर सुनाने वाले थे, डिस्कनेक्ट हो प्रखर बताइए। दीपावली रंग दीपों की झिलमिल से रोशन हो जाता सारा संसार, साल में जब भी आता दीपावली का त्योहार। तो दीपावली का त्योहार 5 दिनों का त्योहार माना जाता है, जिसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। आज धनतेरस यानी धन लक्ष्मी की पूजा होगी, कल नरक चतुर्दशी यानी जो नरकासुर वध भगवान ने किया था, महावीर का जो जयंती भी है,
उसको मनाया जाएगा, परसों दीपावली मनाई जाएगी, उसके बाद जो है गोवर्धन पूजा होता है, चिल्ड्रंस डे भी है, भैया दूज, यानी 5 दिनों का में पूरा होने वाला ये दीपावली का महापर्व है जो हिंदू धर्म के सभी लोग बड़े ही धूमधाम से श्रद्धा के साथ मनाते हैं। तो आप सब लोगों को भी मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार आप लोग घर पे ही रह के दीपावली, और एक त्योहार आपका और भी है जो बहुत ही प्रिय त्योहार है जो आप मना दीपावली के साथ मनाओगे, याद है या नहीं याद है? यस मैम। क्या? यस मैम याद है। हाँ, चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस, बाल दिवस दीपावली के दिन ही मनाओगे आराम से, ठीक है? बढ़िया से रंगोली बनाना, दिए जलाना, मिठाई खाना, पूजा करना, पटाखे तो मत फोड़ना, क्योंकि आप लोग शिक्षित समझदार हो, इसलिए अपने देश को प्रदूषण से बचाना है, ठीक है? खुद भी करो और अपने पास पड़ोस के बच्चों को भी रोको, यही आपके शिक्षित होने का जो है महत्व दिखेगा समाज को कि हाँ आप शिक्षित हो। आप खुद पहले हमें दूसरों को सुधारने, पहले खुद को सुधारना, तो हम जो अपने भाई बहनों को रोकेंगे तो आप अपने अपने भाई बहनों को अपने को रोक सकोगे, तो ऐसे धीरे धीरे करके समाज में सारे लोग इस तरह से जो है आपसे सीख लेंगे, ठीक है? तो एक कदम आप बढ़ाइए तो 10 कदम आपके साथ भी लगेंगे, है ना? तो चलिए दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को, सेशन एंड करते हैं। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू, गुड बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय, गुड बाय।